कम बैक टू माई चैनल। ये वीडियो क्लास 7th-8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सर्वनाम सिखाऊंगी। स्टार्ट करते हैं फुल कंसेप्ट के साथ। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये डेफिनेशन सबको पता होती है कि संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, वे हो गया, वे अच्छा लड़का है, तो सर्वनाम क्या है इसमें, वे है। तुम्हारा क्या नाम है, तो इसके अंदर सर्वनाम क्या होगी, तुम्हारा होगा, और इत्यादि, यानी और भी एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट, सर्वनाम के भेद आप याद रखेंगे, टोटल 6 भेद हैं, प्लस आप लोग इसे सीक्वेंस में ही याद करेंगे। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पाँचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को समझते हैं स्टूडेंट्स। जो सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले तथा जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, यानी स्टूडेंट्स, तो क्या बोला गया है स्टूडेंट्स कि सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक कहेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, तू, वे, यानी वे खड़ा है, तू जा रहा है, मैं जा रही हूँ, तो ये सब क्या है, बोलने वाले और सुनने वाले हैं। अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि मैं खड़ी हूँ, और सुनने वाले के लिए जैसे तू जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स, पुरुषवाचक के भी टोटल 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष है, जिसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब समझते हैं ये क्या है स्टूडेंट्स। बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तम पुरुषवाचक। जैसे यानी जैसे मैं अपने नाम के बदले में किसका इस्तेमाल करूँगी, सर्वनाम का। जैसे मुझे, अब मैं क्या कहूँगी कि मुझे जाना है, यानी मैं अपने बारे में कह रही हूँ। हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने बारे में ही कह रहे हैं। हमें जाना है तो हम अपने बारे में कह रहे हैं कि हमें जाना है। तो ये सब क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन, जब भी हम अपने बारे में कहेंगे। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन क्या होगा, सुनने वाला या जिससे बात की जाती, यानी जब हम सामने वाले से बात करने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, उसे हम मध्यम पुरुष कहेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, तुम, जैसे कि क्या हो गया, तुम पढ़ रहे हो, तो अभी मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, तो ये क्या होगा, मध्यम पुरुष। तुम है, तू, मुझे, आप और तुमको, तुम जा रहे हो, तो क्या होगा, ये सामने वाले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कहाँ गए थे, सामने वाले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन कहलाएगा। आई होप आप लोगों को उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके विषय में बात की जाती है, यानी जिसके बारे में बात की जाएगी, उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक। जैसे स्टूडेंट्स, ये, वे, इन, उन, इन्हें, उन्हें, उसका, इसका, आदि। जब किसी तीसरे के बारे में बात की जाएगी, यानी ये इसका है, तो उसकी बात हो रही है या इसकी बात हो रही है। जैसे उन्हें और इन्हें, उन्हें जाना है तो उन्हें की बात हो रही है, इन्हें बैठना है, इन्हें की बात हो रही है। तो ऐसे करके जब अन्य पुरुष की बात होती है, ना तो इसमें मेरी बात होगी, ना हम की बात होगी, डायरेक्ट थर्ड पर्सन की बात होगी। जैसे उन्हें, उसका, उसकी, इन सबको हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुष कहेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज पर, तो स्टूडेंट्स, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी दूर या निकट के किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चय का बोध होता हो। यानी आप लोग 101% श्योर होंगे, जैसे ये इसका है, वे, ये, इस, उस, उन, इन, जैसे ये मेरी कलम है, तो मैं श्योर हूँ कि ये मेरी ही है। इन लड़कों को इधर बुलाओ, तो आप श्योर हैं कि इन लड़कों को ही इधर बुलाना है। उन लोगों को छोड़िए, तो उन लोगों की बात हो रही है, यानी थर्ड पर्सन के अन्य पुरुष के। इस जगह पर कोई नहीं बैठेगा, इस जगह पर, तो ये निश्चय है कि ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अनिश्चयवाचक इसका अपोजिट है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वस्तु का निश्चय बोध नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक। जैसे अब मुझे नहीं पता होगा कि किसकी खास बात हो रही है, जैसे मुझे निश्चय में पता था कि मुझे इस जगह पर बैठना है। जैसे कोई अंदर बैठा है, तो मुझे नहीं पता है कि कौन बैठा है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिखा गया है, ताल में कुछ काला है,
जैसे दरवाजे पर कौन है तो मुझे नहीं पता कौन है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो जब मैं श्योर नहीं होंगी तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। संबंधवाचक सर्वनाम बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक। जैसे जो के साथ सो जुड़ेगा, जैसे के साथ वैसा जुड़ेगा, जिसका के साथ उसका जुड़ेगा, उतना के साथ जितना जुड़ेगा, जहाँ के साथ वहाँ जुड़ेगा, तो ऐसे संबंध वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। अब एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ जो दे रखा है सो के साथ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसे से जुड़ा हुआ है, जिसकी लाठी उसकी बैल, जिसकी उसके से जुड़ा हुआ है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना उतना के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ चा वहाँ रा, तो जहाँ और वहाँ आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट दे रखा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, मोस्ट ईजी, जिसके अंदर आप प्रश्न पूछेंगे। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कौन था, क्या था, अब एग्जांपल दे रखे हैं, आज कौन आ रहा है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन आ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, एक सवाल पूछा गया है कि नाम क्या है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। लास्ट भेद दे रखा है स्टूडेंट्स निजवाचक सर्वनाम, यानी जब आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे स्वयं खुद, तो उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक। डेफिनेशन पढ़ते हैं, बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों से अपने लिए, यानी जब मैं खुद के लिए इस्तेमाल करूँगी, आप, निज या स्वयं आदि का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे इन दो शब्द को उपयोग किया जाएगा, आप और स्वयं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे आप स्वयं निज, जैसे मैं ये काम आप कर लूँगी, तो मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि ये काम मैं खुद करूँगी, तुम अपना काम खुद कर लेना, यानी स्वयं कर लेना, सब कुछ अपने लिए ही बोला जा रहा है, निज के लिए। जैसे मैं स्वयं जा सकती हूँ, तो मैं खुद के लिए बोल रही हूँ। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सर्वनाम समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे हिंदी व्याकरण के टॉपिक समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।